हेलो एवरीवन, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। यूपी की जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो होंगी हाइब्रिड मोड पे। अब ये हाइब्रिड मोड ऐसा क्या प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आई है, इसके बारे में आपको समझना होगा। इसकी शुरुआत यूपी की यूपीपी वैकेंसी, यूपीएसआई वैकेंसी और रेडियो संवर्ग वैकेंसी से होगी। हाइब्रिड प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले इन्हीं वैकेंसी में होगी। इन्हीं वैकेंसीज में इस प्रोग्राम को प्रयोग किया जाएगा कि हाइब्रिड प्रोग्राम कैसे परीक्षाओं को कराएगा। अब सबसे पहले बात होती है हाइब्रिड प्रोग्राम, हाइब्रिड मोड है क्या, इससे बच्चों को कितनी सुविधाएं होंगी, नकल माफियाओं को कितनी चुनौती होगी नकल कराने के लिए, पेपर कराने के लिए, और बच्चों को कितनी सुविधा होगी कि पेपर आउट ना हो, जिससे कोई परीक्षा रद्द ना हो और पांच पांच साल ये भर्ती फंसी ना रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं 2018 की वीडियो की भर्ती, अब उसका पेपर पांच साल बाद होने जा रहा है क्योंकि उसका पेपर आउट हो गया था। आउट होने की वजह एक एक भर्ती पांच पांच साल छह छह साल फंस जाती है और इससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। पेपर आउट हो जाता है तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है, पेपर में नकल हो जाती है तो पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, बच्चों की मेहनत के साथ खिलवाड़ होता है। तो गवर्नमेंट ने जो ये हाइब्रिड मोड प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो ये परीक्षाओं में नया मोड लेके आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। इससे परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हो पाएंगी और बिना नकल, नकल विहीन परीक्षा हो सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो नकल विहीन परीक्षा करा सकती है और इससे उन बच्चों को प्रॉफिट होगा जो मेहनत से संघर्ष करके दिन और रात करके पढ़ाई करते हैं अपनी परीक्षा पास करने के लिए। चलिए फिर समझिएगा सभी लोग कि अब ये हाइब्रिड मोड प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में सभी लोग को समझाते हैं। हाइब्रिड मोड प्रोग्राम के बारे में समझ लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जो नकल नहीं करते हैं, जो पेपर नहीं लेते हैं, पेपर आउट नहीं कराने का प्रयास करते हैं, जो सिर्फ मेहनत के साथ पढ़ते हैं, जिन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास है, अपनी काबिलियत पर विश्वास है कि हम अपनी मेहनत से सफलता पा सकते हैं। चलिए हाइब्रिड मोड प्रोग्राम के बारे में आपको बताते हैं कि है क्या। आइए पहली बात करते हैं, एक एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से नोटिफाई कर दिया है और आप समझिएगा। सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है यूपी पीआरबी, मींस ये भर्ती होती है यूपीपी की, मतलब पुलिस से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां होती हैं यूपी पीआरबी बोर्ड कराता है। यूपी पीआरबी अर्थात यूपी पुलिस प्रोन्नत बोर्ड आगामी परीक्षाएं हाइब्रिड मोड में ही कराएगा। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि यूपी पीआरबी की जितनी भी भर्ती होनी है, जितनी भी आगामी परीक्षाएं होनी है, वो किस पे होंगी, हाइब्रिड मोड प्रोग्राम पर होंगी। अब समझिएगा ये हाइब्रिड मोड है क्या, सबसे पहले हाइब्रिड मोड के बारे में जानना होगा। मतलब यूपीपी यूपीएसआई रेडियो संवर्ग का जो पेपर होना है वो अब हाइब्रिड मोड प्रोग्राम पर होगा। चलिए आगे समझिएगा अभी है क्या। हाइब्रिड मोड बोले तो पेपर कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा। हाइब्रिड मोड का मतलब है भैया, इससे पहले पेपर कैसे होता था, सबसे पहले गवर्नमेंट पेपर कराती थी ऑफलाइन में, ऑफलाइन में बच्चों को पेपर मिलता था और एक ओएमआर शीट मिलती थी। ओएमआर शीट में क्या होता था, बच्चा पेपर हल्काता था, ओएमआर शीट फिल करता था, बच्चा पेपर हल करता था, ओएमआर शीट फिल करता था। ये हो गया ऑफलाइन मोड। फिर आया ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में क्या होता था, कंप्यूटर के ऊपर पेपर आता था, कंप्यूटर स्क्रीन पे पेपर ऑन होता था, जिसको हम लोग सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। इस पे पेपर आना स्टार्ट हुआ तो बच्चा कंप्यूटर पे देखता था और नीचे हल करता था और कंप्यूटर पे टिक भरता था, यही तो करता था। मतलब पहले ओएमआर हाथ से भरनी होती थी, अब ओएमआर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे होती थी, हम लोग माउस से भरते थे ओएमआर को। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए जब पहले ऑफलाइन होता था तो पेपर आउट हो जाता था और बच्चों को पेपर मिल जाता था, फिर जब गवर्नमेंट दूसरा लेके आया ऑनलाइन मोड, कंप्यूटर मोड, तो अब क्या होता है कि सीधे सीधे हैकर्स जो हैं, नकलचिया नकल माफिया जो हैं, वो सीधे सीधे कंप्यूटर ही हैक कर लेते हैं। जाता है बच्चा वहां बैठा रहता है कंप्यूटर पे माउस हाथ रखते हुए और दूसरा जो हैक किए हुए है वो बढ़िया पूरा पेपर सॉल्व करते हैं और सारे के सारे फिल कर देते हैं उसके गोले, उसको कुछ करना ही नहीं होता। तो कंप्यूटर में जब ऑनलाइन मोड गवर्नमेंट लेके आई, इससे भी फेल हो गई, इसमें भी वो नकल विहीन परीक्षा नहीं करा पाई। तो गवर्नमेंट अब नया नियम लेके आई है हाइब्रिड मोड, बोले तो पेपर कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा और भरना ओएमआर होगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट कह रही कि पेपर तो कंप्यूटर पे आएगा लेकिन वहां पे तुम्हें फिल नहीं करना है, ऑनलाइन में ओएमआर सीट नहीं होगी, आपको ऑप्शन देख के गोला हमें अपने ओएमआर पर भरना होगा। मतलब पेपर कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलेगा और ओएमआर सीट ऑफलाइन में मिलेगी, एक पेज मिलेगा, ओएमआर सीट मिल जाएगी, आप उसको भरो।
अब समझिएगा अब कैसे नकल होगी। अब अगर आपका कंप्यूटर भी हैक हो गया तो जो सॉल्वर है वो पेपर तो सॉल्व करेगा लेकिन गोला कैसे भरेगा, टिक कहां पे लगाएगा, टिक लगाने का ऑप्शन होता नहीं है ऑनलाइन में। अब हैक कराने से कोई मतलब नहीं, अब हैक कराना हो गया समाप्त। अब दूसरी चीज, पहले पेपर आ जाता था तो पेपर बिक जाता था, जैसे अखबार बिकता है 4 रुपए में दैनिक जागरण, वैसे ही पेपर बिक जाता था। गवर्नमेंट ने उसको भी रोक लगा दी, कहा पेपर तो कंप्यूटर पे ही खुलेगा, जैसे बच्चे का समय होगा 2 बजा पेपर कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब पेपर भी आउट नहीं हो सकता और सॉल्वर भी हैक नहीं कर सकते, दोनों चीज से फुर्सत। मींस गवर्नमेंट ने अब पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने का प्रयास किया है, कोशिश की है, और इसलिए हम इस गवर्नमेंट की सराहना भी करते हैं कि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो अब कंप्यूटर आएगा आपके, इसका आपका पेपर आएगा आपके स्क्रीन पे और आपको भरना होगा OMR सीट। अब अच्छी चीज हुई, आइए आगे समझिएगा। पेपर आउट क्या क्या बचेगा, पेपर आउट और कंप्यूटर स्क्रीन हैक करके सॉल्व को रोकने के लिए UPPRB बोर्ड उचित एवं सराहनीय कदम उठा रहा है। मतलब कि पेपर आउट नहीं हो सकता, पेपर आउट कराने से कोई मतलब नहीं, और कंप्यूटर स्क्रीन हैक कराने से भी अब कोई मतलब नहीं, दो क्योंकि पेपर आउट नहीं होगा क्योंकि पेपर आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन हैक कराओगे तो तुमको OMR मिलेगी भरने के लिए, वहां पे पेपर में कुछ भरा नहीं जा सकता। तो इन दोनों चीजों को पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी, ये एक सराहनीय कदम है UPPRB बोर्ड का। जितना अच्छी, जितनी ज्यादा सराहना की जाए उतना ही कम है। चलिए आगे समझिएगा, अब इससे नुकसान किसका हुआ, नुकसान उनका हुआ, इनका हुआ, नकल माफियाओं के लिए सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो नकल माफिया का हुआ। पढ़ने वाले बच्चों के लिए फायदा हो गया, जो नहीं पढ़ने वाले थे उनके लिए हो गया नुकसान, क्योंकि नकल माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और नक बोर्ड सटीक चुनौती, उन्होंने एक सटीक चुनौती दे दी है कि अब तुम पेपर आउट नहीं करा सकते, अब तुम नकल नहीं करा सकते, नकल माफिया अब हो जाएंगे फेल, अब सिर्फ वही नौकरी पाएगा जो मेहनत करेगा, सो संघर्ष करेगा। कहते नहीं है जिंदगी, एक लाइन कहते सुनिएगा, जिंदगी की हर एक ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है, जिंदगी की हर एक ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने मेहनत पर भरोसा रखो, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने मेहनत पर भरोसा रखो। मेहनत करोगे जॉब मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे गवर्नमेंट तुम्हें जॉब नहीं लेने देगी। और UPP की भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली, 53,000 भर्ती, मतलब ये एक आश्चर्यजनक, इतनी बड़ी भर्ती बहुत लंबे समय के बाद 53,000 भर्ती UPPRB करने जा रहा। अब फायदा देखिएगा, परीक्षा के टाइम पर ही पेपर आएगा स्क्रीन पर, हाइब्रिड मोड प्रोग्राम में अब पेपर जो है आपका परीक्षा के टाइम ही आपके स्क्रीन पर आएगा, पेपर आउट का झंझट समाप्त, अब पेपर आउट नहीं होगा, जैसे पेपर स्टार्ट होगा आपके स्क्रीन पर पेपर आ जाएगा। गोला भरना होगा OMR पर, गोला अब भरना होगा OMR शीट पर, स्क्रीन हैक करके सॉल्व करने का तरीका भी समाप्त, अब स्क्रीन हैक करके पेपर सॉल्व करने का भी तरीका हो गया समाप्त। अब पेपर आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, भरोगे OMR शीट पे गोला, सारी की सारी व्यवस्थाएं बहुत ही लाजवाब, अब नहीं हो सकती नकल, अब नकल माफिया हो जाए सावधान, अब उन्हीं वही बच्चे जॉब पाएंगे जो मेहनत करते हैं। तो सभी लोग मेहनत के साथ लगे रहो, अगर उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल बनना है तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करो। 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है यूपी पुलिस UPP UPSI का, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स विधिवत पढ़ाए जाएंगे, उस तरीके से पढ़ाए जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो सके, आप जॉब पाए।